बहुत समय पहले की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुरभि नाम की एक बहुत गरीब लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। सुरभि को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। वह अपने गांव से बहुत दूर शहर पढ़ने जाया करती थी, जिस वजह से सुरभि को हमेशा स्कूल जाने में देरी हो जाया करती थी। सुरभि, वैसे तो तुम कहती हो कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, तुम पढ़ लिखकर अपने घर के हालात बदलना चाहती हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, लेकिन अगर तुम्हारे यही तौर तरीके रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी। जाओ, आज भी तुम यह पीरियड नहीं ले पाओगी। हाथ ऊपर करो और बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, और तुम सब बच्चे शांत, बिल्कुल शांत अपनी पढ़ाई करो। सॉरी मैम, सॉरी, प्लीज आज मुझे यह पीरियड लेने दो। पूरा एक हफ्ता हो गया, मैं पीरियड नहीं ले पा रही। अगर मैं आपका पीरियड नहीं ले पाऊंगी तो एग्जाम कैसे दे पाऊंगी? आप तो जानती ही हैं कि मैं कितनी ज्यादा गरीब हूँ, ट्यूशन भी नहीं ले पाती। प्लीज मैम, माफ कर दीजिए। मैम, आपको पता है मैं बहुत दूर से आती हूँ। अगर तुम्हारा घर स्कूल से इतनी ही ज्यादा दूर है तो बस या ऑटो से क्यों नहीं आ जाती? अगर बस या ऑटो से आओगी तो समय पर आ जाओगी और मेरा पीरियड भी मिस नहीं कर पाओगी। मैम, स्कूल की फीस जमा करने में ही मेरी माँ की कमर टूट जाती है। वो अकेली मेहनत मजदूरी करती हैं, मुझे दो समय का खाना खिलाती हैं, स्कूल की फीस जमा करती हैं। वो बस का किराया कैसे दे सकती हैं? मेरी मजबूरी को समझो और मुझे अंदर आने दो। सुरभि अपनी क्लास टीचर के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि उसे यह पीरियड लेने दें, लेकिन सावित्री मैम तो सावित्री मैम थी। वह कभी भी किसी बच्चे के ऊपर रहम नहीं करती थी, वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। बेचारी सुरभि बाहर खड़ी रहती है और जब सावित्री मैम का पीरियड हो जाता है तो वह क्लास में जाकर बैठ जाती है और क्लास की एक लड़की नेहा से कहती है, नेहा प्लीज मुझे अपनी नोटबुक दे दो, मैं भी नोट कर लूंगी कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया है। एग्जाम आने में सिर्फ थोड़ा ही समय बाकी है, प्लीज मुझे अपनी नोटबुक दे दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नोटबुक मांगने की? मैं तुझ जैसी गरीब लड़की को अपनी नोटबुक दे दूंगी? कभी नहीं। और वैसे भी मैं तो कहती हूँ कि तुझ जैसी गरीब लड़की को पढ़ने की क्या जरूरत है, अपनी माँ की तरह मेहनत मजदूरी कर। वैसे भी यह स्कूल हम जैसे अमीर बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, तुझ जैसी गरीब के लिए नहीं। नेहा, अगर तुम्हें मुझे अपनी नोटबुक नहीं देनी तो मत दो, कम से कम मुझे ऐसी जली कट्टी बातें तो मत कहो। काजल, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकती हो? नहीं। स्वर्णा, प्लीज यार तुम ही अपनी नोटबुक दे दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझ कर पढ़ लूंगी। प्लीज यार मेरी मदद करो। मेरा अभी मूड बना है, चल सुरभि गरीब तू भी क्या याद रखेगी कि तेरा किससे पाला पड़ा है। मैं तुझे अपनी नोटबुक दे तो दूंगी, मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है और मैंने सब कुछ नोट भी किया है, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। ठीक है नेहा, तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना है, बस तुम मुझे अपनी नोटबुक दे देना। तुझे हमारे स्कूल का टॉयलेट साफ करना होगा और उसके बाद हमारे स्कूल के बाहर जो डस्टबिन है उसके अंदर मेरे चिप्स के पैकेट पड़े हैं, तुझे वो लेकर आने होंगे। वैसे वो मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन बस मैं तुझसे ये काम करवाना चाहती हूँ। वैसे भी ये सब कुछ तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तुम गरीब तो अपने टॉयलेट अपने हाथों से ही साफ करते होंगे और डस्टबिन तो तुम्हारा घर होगा। अगर नोटबुक चाहिए तो तुझे ये सब कुछ करना होगा, वरना फिर भूल जा कि तुझे नोटबुक मिलेगी। सुरभि को नोटबुक चाहिए थी क्योंकि एग्जाम आने वाले थे। सुरभि के पास नेहा की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बेचारी सुरभि पहले टॉयलेट साफ करती है और उसके बाद इतना गंदा डस्टबिन, उसके अंदर नेहा के चिप्स के पैकेट निकालती है और ये सब करने के बाद वह नेहा के पास जाती है। तभी नेहा उसे धक्का देकर कहती है, चल पीछे हट, तो जैसी गंदी बदबूदार लड़की को मैं अपनी नोटबुक कभी नहीं देने वाली। तूने टॉयलेट साफ किया, डस्टबिन के अंदर हाथ डाला, तुझे क्या लगता है तो जैसी बदबूदार को मैं अपनी नोटबुक दे दूंगी? कभी नहीं, वो तो बस मैं तुझसे मजे ले रही थी। वो तो तेरी गलती है कि तूने मेरी बात मानी। आए बड़ी मेरी नोटबुक लेने वाली। बेचारी सुरभि को बहुत दुख होता है कि क्लास की अमीर अमीर लड़कियां उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह सभी अमीर बच्चे थे और बेचारी सुरभि गरीब। क्लास का एक भी बच्चा सुरभि को अपनी नोटबुक नहीं देता। वह एक एक बच्चे के पास जाती है, नोटबुक मांगती है, लेकिन सभी उसे दुत्कार कर भगा देते हैं। सुरभि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर तैयार हो जाती है। तभी सुरभि की माँ कहती है, अरे बेटा
अभी तो 3 ही बजे हैं और तुम अभी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है और तुम एक भी दिन छुट्टी नहीं करना चाहती, लेकिन बेटा अभी तो स्कूल जाने में बहुत समय बाकी है। मम्मी, आप हमारे गांव को तो अच्छी तरह से जानती ही हैं कि कैसे रास्ते हैं, बाहर तक जाने में कितना समय लग जाता है और उसके बाद मेरा स्कूल कितनी ज्यादा दूर है। पहले तो मैं ऑटो से चली जाया करती थी, लेकिन जब से घर में पैसों की परेशानी हुई है मुझे पैदल ही जाना होता है, जिस वजह से बहुत समय लग जाता है और एक पीरियड मेरा मिस ही हो जाता है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी क्लास टीचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह मेरे नंबर भी काट सकती हैं। इसलिए माँ, मुझे इसी समय स्कूल जाने के लिए निकलना होगा। ठीक है बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हो अपने घर के हालात बदलने के लिए। बेटा, ऐसे ही मेहनत करती रहो, देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगी और तुम अपने गांव के लिए स्कूल बनाना, ताकि किसी भी बच्चे को तुम्हारी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े, सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अच्छा बेटा, मैं अभी रोटियां बना देती हूँ, खाली पेट मत जाना। ऐसा कहकर सुरभि की माँ चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बनाती हैं और सुरभि वह रोटियां खाकर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है और आज सुरभि समय पर स्कूल पहुँच जाती है। तभी सावित्री मैम सुरभि को देखकर कहती हैं, देखा, अगर इंसान के मन में लगन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। आज तुम समय पर स्कूल आ गई ना, अगर मैं तुम्हें थोड़ी भी ढील देती तो तुम हमेशा ऐसे ही करती और कभी समय पर स्कूल नहीं आती। तुम्हें समय पर स्कूल में देखकर अच्छा लगा क्योंकि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। चलो चैप्टर नंबर 5 निकालो। सावित्री मैम के मुंह से यह शब्द सुनकर सुरभि को बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत ध्यान से सावित्री मैम का पीरियड लेती है और सावित्री मैम से कहकर क्लास के एक बच्चे की नोटबुक भी ले लेती है और सब कुछ नोट कर लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था, सावित्री मैम अपने सब्जेक्ट का टेस्ट लेने वाली थी। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है एग्जाम आने में सिर्फ 15 ही दिन बाकी हैं और मैं चाहती हूँ कि उससे पहले तुम्हारा टेस्ट ले लिया जाए। कल सभी बच्चों का टेस्ट है और याद रहे यह टेस्ट तुम्हारे एग्जाम में बहुत मदद करेगा। जो भी बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा उसके नंबर एग्जाम में जोड़े जाएंगे, ठीक है। सावित्री मैम की यह बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और स्पेशली सबसे ज्यादा सुरभि खुश होती है और वह अभी से टेस्ट की तैयारी करने लग जाती है। तभी नेहा सुरभि के पास आकर उससे कहती है, तुझे क्या लगता है कि तू इस टेस्ट में पास हो पाएगी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तूने एक हफ्ते सावित्री मैम की क्लास ही नहीं ली और एक दिन में तू क्या ही उखाड़ लेगी। हमेशा तू फर्स्ट आती थी ना, देखना इस बार तू फर्स्ट तो बहुत दूर की बात है, पास भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इस बार इस टेस्ट में तो फर्स्ट मैं ही आने वाली हूँ। नेहा, अच्छी बात है कि तुमने इतनी तैयारी की है कि तुम इस टेस्ट में फर्स्ट आ जाओगी, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने एक हफ्ता क्लास नहीं ली तो क्या हुआ? अगर इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। अभी टेस्ट होने में पूरे 24 घंटे बाकी हैं, तो इसलिए मेरे पास बहुत समय है, मैं तैयारी कर सकती हूँ। तुम अपने सोचो कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, बात करने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट से होता है। अरे यार नेहा, तू क्लास की सबसे अमीर लड़की है, लेकिन फिर भी हमेशा ये गरीब लड़की तुझे नीचा दिखा ही देती है, तेरी बोलती बंद कर ही देती है। काव्या, तू कैसी बातें करती है? क्या तू भूल गई कि कुछ दिन पहले मैंने इस गरीब को कैसे सबक सिखाया था? इससे टॉयलेट साफ कराई थी, डस्टबिन में हाथ डलवाया था और उसके बाद भी अपनी नोटबुक नहीं दी। इसे कहते हैं बदला लेना और इसका भी मैं बदला ले ही लूंगी। चल गरीब लड़की, शर्त लगाते हैं, अगर तू फर्स्ट आई तो मैं तुझे परेशान करना छोड़ दूंगी और तुझसे दोस्ती भी कर लूंगी, और अगर मैं फर्स्ट आई तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए हमारा स्कूल छोड़ना होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अरे यार नेहा, ये तूने क्या कह दिया? तू तो जानती है ये गरीब पढ़ने में कितनी होशियार है, अगर ये फर्स्ट आ गई तो तुझे इससे दोस्ती करनी होगी। एक ये तो गरीब है जिससे हम मजे लेते हैं, तुझे ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। अरे यार काव्या, तो टेंशन क्यों लेती है? ये कभी फर्स्ट नहीं आ पाएगी। क्या तुझे पता नहीं इसने पूरे एक हफ्ते सावित्री मैम की क्लास नहीं ली, इसलिए भूल जा कि ये कभी फर्स्ट आएगी। मैंने सोच समझ कर ही शर्त लगाई है। ऐसा कहकर नेहा हंसकर वहाँ से चली जाती है। सुरभि टेस्ट की तैयारी कर रही थी और वह घर जाने के बाद भी टेस्ट की तैयारी करती रहती है और रात भर सोती नहीं है, रात को भी पढ़ाई करती रहती है और हमेशा की तरह 3 बजे तैयार होकर स्कूल जाने लगती है। बारिश का मौसम चल रहा था और धीरे धीरे बारिश आनी शुरू हो जाती है। सुरभि बारिश में भीगते हुए अपने बैग को पिन्नी से कवर कर चले जा रही थी।
लेकिन बेचारी सुरभि को कहां पता था कि यह बारिश रुकने वाली नहीं है और धीरे धीरे बारिश तेज होने लगती है और जगह जगह पानी भरने लगता है। सुरभि को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बारिश मुझे तो नहीं लगता रुकने वाली है। और सावित्री मैम, उनका टेस्ट क्या करूँ, आँख बंद कर इस पानी को पार कर ही लेती हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने सपने के आगे इस बारिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे बारिश या ये पानी नहीं रोक सकता। मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे जाना ही होगा। ऐसा सोचकर सुरभि अपनी आंखें बंद कर लेती है और बारिश के भरे पानी में आ जाती है। और उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी। सांप, बिच्छू, पानी, बारिश, उसे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। और वह बारिश और पानी को पार कर अपने स्कूल पहुँच जाती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री मैम सुरभि को बहुत सुनाती हैं। सुरभि, तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि आज मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। जानबूझकर तुम लेट आई हो ना, ताकि तुम टेस्ट ना दे सको। क्योंकि तुम्हारी कोई तैयारी थी ही नहीं, इसलिए तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया। लेट आई हो ताकि मैं तुम्हें अंदर ना आने दूं और तुम टेस्ट से आसानी से बच जाओ। तुम्हारे ये बहाने, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें पढ़ना भी है या नहीं? मैम, ऐसी बात नहीं है। मैं तो एक पल के लिए सोई भी नहीं हूँ। कल से टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। मुझे ये टेस्ट देना था, तभी तो इतनी मुश्किलों का सामना कर स्कूल पहुँची हूँ। आपको पता है, हमारे गांव में बहुत तेज बारिश है। पानी घुटनों तक बढ़ चुका है और उस पानी में सांप भी हैं। उन सब मुश्किलों का पार कर मैं स्कूल आई हूँ। देखिए मैं किस तरह से भीग रही हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे यार नेहा, तू तो शर्त जीत गई। अब सुरभि टेस्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि सावित्री मैम उसे अंदर ही नहीं आने देंगी। और अब बेचारी हमेशा हमेशा के लिए इस स्कूल को छोड़ देगी शर्त के अनुसार। नहीं काव्या, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सुरभि टेस्ट दे और वह फर्स्ट आए और मैं उसकी दोस्त बनूं। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ रहा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सुरभि तुम्हारी दुश्मन है और तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो? एक ही दिन में ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तुम्हारा मन ही बदल गया? काव्या, छुट्टी हो जाने के बाद कल मैंने सुरभि का पीछा किया था, इसलिए देखूंगी कि वह कहाँ रहती है, कैसे रहती है। सच में सुरभि बहुत मुश्किलों का सामना कर हमारे स्कूल में आती है। और आज टेस्ट देने के लिए देखो कैसे बारिश के कहर में भीगते हुए स्कूल तक पहुंची है। हमें ऐसे गरीब स्टूडेंट का सम्मान करना चाहिए, ना कि अपमान। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मैं सुरभि से माफ़ी मांगकर उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। नेहा पूरी तरह से बदल चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ सावित्री मैम भी आज थोड़ी नरम हो जाती हैं और वह सुरभि को एक मौका दे देती हैं और वह टेस्ट देती है। सुरभि ने बहुत तैयारी की थी, जिस वजह से वही फर्स्ट आती है। सावित्री मैम सभी बच्चों से सुरभि के लिए क्लैपिंग करवाती हैं और उसकी बहुत प्रशंसा भी करती हैं। सुरभि, सच में तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। तुम कुछ कर दिखाओगी, तुम बहुत आगे जाओगी। तुम एक दिन की तैयारी में इतना अच्छा टेस्ट दे सकती हो। वेरी गुड, आज के बाद तुम्हें स्कूल आने में कभी देरी नहीं होगी। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे आने जाने का किराया मेरी तरफ से है। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए टीचर का इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि वह उसकी थोड़ी मदद कर सके। और अब तो बारिश कभी भी तुम्हारी पढ़ाई में अड़चन बन सकती है, इसलिए तुम्हारा बस से आना बहुत जरूरी है। सुरभि, तुम शर्त जीत चुकी हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं सच्चे मन से तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तुम्हारी सच्चे दोस्त बनना चाहती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक गरीब स्टूडेंट को इतना प्यार और सम्मान मिल सकता है। सावित्री मैम ने मुझे आने जाने का किराया दिया और तुम मुझसे दोस्ती कर रही हो। सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। और इस तरह सुरभि को स्कूल में प्यार और सम्मान मिलने लगता है और अब वह समय पर स्कूल आने लगती है। बारिश आई या तूफान, अब सुरभि को कोई रोकने वाला नहीं था और अब वह पहले से भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करती है। और एक दिन सुरभि की मेहनत रंग लेकर आ जाती है और वह IAS ऑफिसर बन जाती है। और ऑफिसर बनने के बाद वह सबसे पहले अपने गाँव के लिए काम करती है, अपने गाँव में स्कूल बनवाती है ताकि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और उसकी तरह कोई भी परेशानियों का सामना न करे। बहुत समय पहले की बात है,
होशियारपुर नामक गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल था जिसमें सपना नाम की एक गरीब लड़की का अभी न्यू एडमिशन हुआ था। उस स्कूल में सपना ही सबसे ज्यादा गरीब लड़की थी। उस स्कूल में सभी अमीर अमीर बच्चे पढ़ने आया करते थे। आज सपना का स्कूल में पहला दिन था और वह अपने माता पिता के साथ स्कूल आती है। सपना के माता पिता उसे स्कूल छोड़कर जा ही रहे होते हैं कि तभी सपना अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इतने बड़े स्कूल में मुझ जैसी गरीब लड़की का क्या होगा। यहाँ पर देखिए सभी बच्चों की ड्रेस कितनी ज्यादा साफ सुथरी और नई है, जूते भी कितने नए नए हैं, और एक मेरी तरफ देखिए मेरी ड्रेस भी पुरानी जो आपने पुराने बाजार से खरीदी थी, और जूते भी, पता नहीं यहाँ के बच्चे मुझे वह प्यार और सम्मान देंगे भी या नहीं। सपना बेटा तुम यहाँ इस स्कूल में अपना भविष्य उज्जवल बनाने आई हो, किसी ने क्या पहन रखा है क्या नहीं, कोई क्या कहता है क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस तुम्हें यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करनी है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे होशियार होने की वजह से तुम्हारा इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया, बस अब तुम यहाँ मन लगाकर पढ़ाई करो। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं, तुम क्लास में जाओ, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर सपना के माता पिता सपना को स्कूल में छोड़कर आ जाते हैं। सपना बहुत डरी और सहमी थी कि इस स्कूल में बहुत ही ज्यादा अमीर अमीर बच्चे हैं, सिर्फ एक वो ही गरीब है, पता नहीं यहाँ के अमीर बच्चे उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्लास में जाने के बाद जिस बात का बेचारी सपना को डर था वही होता है। सपना के पास एक अमीर लड़की आती है और वह उससे कहती है, ओहो अच्छा तो तुम हो न्यू एडमिशन। दोस्तों देखो हमारे स्कूल में एक गरीब टीचर न्यू एडमिशन लड़की आई है। इसकी ड्रेस तो देखो, आज स्कूल का पहला दिन और इतनी ज्यादा गंदी ड्रेस, लगता है पुराने बाजार से खरीदी है, और जूते तो देखो एक पैर का जूता तो फटा हुआ ही है। अरे जब औकात नहीं थी इतने बड़े स्कूल में पढ़ने की तो एडमिशन ही क्यों कराया, क्यों अपने माता पिता को मुश्किल में डाल रही हो। सुन गरीब स्टूडेंट, तुझे तो कचरा उठाने की आदत होती होगी। यार धारा मेरी सीट के नीचे बहुत ज्यादा कचरा है, लगता है इस जगह की अच्छी तरह सफाई नहीं हुई। तो सुन गरीब लड़की, तेरा इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो हो गया, तो यहाँ पढ़ने तो आ गई, लेकिन यहाँ आकर तो हम अमीर लड़कियों का काम भी करेगी। चल जा मेरी सीट के नीचे की सफाई कर, क्योंकि तुम गरीब लोगों को तो कचरे में रहने की आदत होती है, लेकिन हम जैसे अमीर बच्चों को नहीं। चल जा मेरी सीट साफ कर। एक्सक्यूज मी, तुम अमीर लड़की होंगी अपने घर की, यह स्कूल सबका है, सभी बच्चे एक बराबर हैं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, यहाँ पर सब शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। और क्या हुआ अगर मैं गरीब परिवार से आती हूँ और मेरे माता पिता मेहनत मजदूरी कर मुझे पढ़ा रहे हैं और मैंने पुराने बाजार की ड्रेस पहनी है, तो इसमें क्या गलत है। यहाँ सबका एक ही मोटिव है, वो है शिक्षा प्राप्त करना, और मैं वो करने आई हूँ, तुम्हारी पर्सनल नौकर नहीं हूँ, मैं सीट साफ नहीं करूँगी। सपना हिम्मत करके सभी अमीर लड़कियों को मुंह तोड़ जवाब देती है, इसलिए क्योंकि वह सोचती है अगर आज वह चुप रही तो क्लास की सभी अमीर लड़कियां कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। सपना और क्लास की अमीर लड़कियों के बीच बहस चल रही होती है कि तभी वहां पर क्लास टीचर आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और यहाँ क्या तुमने क्लास को मछली बाजार बना रखा है, चारों तरफ चे चे पे पे की आवाज आ रही है। अरे यह स्कूल है, तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं जहाँ पर बैठकर तुम गप्पे लड़ाओगी। चलो जाओ सब अपनी अपनी जगह पर बैठो और चैप्टर नंबर 2 निकालो, और हाँ लास्ट पीरियड में मुझे तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 का ओरल टेस्ट लेना है, ठीक है, याद है ना। सुहाना मैम सभी बच्चों को अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहती हैं। क्लास का कोई भी बच्चा सपना को अपने पास बिठाना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गरीब थी। बेचारी सपना चुपचाप अपना बैग उठाती है और क्लास की सबसे पीछे वाली डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। सुहाना मैम चैप्टर नंबर 2 पढ़ाती है और चली जाती है। लंच टाइम हो जाता है और लंच टाइम में क्लास की सभी अम्मी लड़कियाँ सपना को बहुत परेशान करती है। सुनो गरीब स्टूडेंट, तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है। अरे धारा तुम भी कैसा मजाक कर लेती हो, अरे इस गरीब के लंच बॉक्स में क्या हो सकता है, वही बासी रोटी अचार के साथ। धारा तुझे क्या लगता है कि ये ज्यादा दिन हमारे स्कूल में टिक पाएगी, नहीं कभी नहीं, क्योंकि इसके माता पिता ने शौक शौक में इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो करा दिया, लेकिन जब उन्हें फीस देनी पड़ेगी तब उन्हें पता चलेगा दाल आटे का क्या भाव चल रहा है।
सपना वह जगह छोड़कर दूसरी जगह अकेली बैठकर अपना लंच करती है। कुछ समय बाद क्लास टीचर आ जाती है और वह चैप्टर नंबर 1 का ओरल टेस्ट लेने के लिए एक एक बच्चे को खड़ा करती है, लेकिन कोई भी बच्चा टेस्ट में पास नहीं हो पाता, जिस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यह क्या, आज से 4 दिन पहले मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे चैप्टर 1 का ओरल टेस्ट लेना है और 4 दिन बाद भी तुम्हारा ये हाल। तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, उसके बावजूद अगर यही चलता रहा तो तुमने तो मेरी एक दिन नाक ही कटा देनी है। धारा सितारा, यह दांत किसे दिखा रही हो? अगर ब्यूटी से थोड़ा ध्यान हटाकर पढ़ाई पर लगा लो तो कुछ कर लोगी। मैम, आपने मेरा टेस्ट तो लिया ही नहीं। वो सपना, तुम न्यू एडमिशन हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट नहीं लिया। जितना समय और बच्चों को मिला है उतना तुम्हें भी मिलना चाहिए। और तुम सब बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर कल तुमने टेस्ट अच्छी तरह नहीं दिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? मैम, आप मेरा टेस्ट ले सकती हैं। जब आपने सुबह कहा था कि लास्ट पीरियड में आपको चैप्टर 1 का टेस्ट लेना है, तब से ही मैं इसकी तैयारी कर रही थी। आप मेरा टेस्ट ले सकती हैं। सपना के ऐसा कहने पर सुहाना मैम खुश हो जाती हैं और वह उसका ओरल टेस्ट लेती हैं। तो सपना एक के बाद एक फटाफट जवाब देती रहती है, जिसे सुनने के बाद सुहाना मैम और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी सुहाना मैम सपना की बहुत प्रशंसा करती हैं। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सच में तुमने सभी सवालों का जवाब फटाफट यूं ही दे दिया। अगर ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रही तो देखना एक दिन बहुत आगे जाओगी। और तुम सब बच्चे भी देखो कैसे आते ही एक दिन में इतना अच्छा टेस्ट दिया है। अगर तुम भी थोड़ा ध्यान पढ़ाई पर लगा लो तो तुम भी सपना की तरह टेस्ट अच्छी तरह दे सकते हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मौज मस्ती करनी है, पढ़ाई तो करनी नहीं है। टीचर से अपनी तारीफ सुनकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन धारा और सितारा सपना की इस तारीफ से जलने लगती हैं कि एक गरीब लड़की क्लास टीचर के सामने कैसे अच्छी बन सकती है। सपना बहुत खुश थी और घर जाकर अपने माता पिता को सब बताती है, जिसे सुनने के बाद सपना के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे ही मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करती रहो, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी। अरे बेटा, अब तुम कहाँ जाने लगी? चलो जल्दी से खाना खाओ। माँ, आप भूल गई, दीप्ति दीदी की शादी है और उन्होंने क्या कहा था कि मेहंदी मुझसे ही लगवानी है, तो बस उन्हें मेहंदी लगाने जा रही हूँ। सपना बहुत ही ज्यादा होशियार लड़की थी, वह पढ़ाई में तो अच्छी थी ही और काम भी उसे बहुत अच्छी तरह से आते थे, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई मेहंदी। इसलिए पड़ोस की सभी लड़कियां सपना से ही मेहंदी लगवाया करती थी। सपना दीप्ति के घर जाकर उसे मेहंदी लगाती है। दीप्ति को मेहंदी बहुत पसंद आती है और वह सपना से कहती है, अरे वाह सपना, तुमने सभी डिजाइन कितने ज्यादा सुंदर बनाए हैं। सच में कोई मेहंदी आर्टिस्ट ही ऐसे डिजाइन बना पाता, तुम्हारे अंदर तो टैलेंट कूट कूट कर भरा है। चलो बताओ कितने पैसे हुए? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, ये तो मेरा शौक है और मैंने आपको अपनी बहन माना है। और क्या कोई बहन अपनी बहन से पैसे लेता है? आपको मेहंदी पसंद आ गई, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे सपना ये क्या बात हुई, तुम मेहंदी लगाने के पैसे भी नहीं ले रही, कम से कम हलवा पूरी खा कर तो जाओ, बहुत स्वादिष्ट है। सपना दीप्ति के यहाँ हलवा पूरी खाकर अपने घर आ जाती है और अपना होमवर्क कर सो जाती है और सुबह को अच्छे से नहा धोकर अपने स्कूल पहुँच जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था, स्कूल की फीस जमा करने का समय आ जाता है। सपना के पिता स्कूल में आकर प्रिंसिपल मैम से कहते हैं, मैम मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मुझे अभी मेरी पगार नहीं मिली, मुझे जैसे ही पगार मिलती है वैसे ही मैं फीस जमा कर दूंगा। देखो सपना एक अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे स्कूल में सभी बच्चों के लिए एक जैसे ही रूल हैं। अगर वो गरीब स्टूडेंट है तो इसमें और बच्चों की क्या गलती, सभी बच्चों की तो समय पर फीस आ जाती है। चलो ठीक है, मैं एक हफ्ते का समय देती हूँ, अगर इस हफ्ते में फीस जमा नहीं हुई तो हमें कड़े एक्शन लेने होंगे, हो सकता है कि तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए घर पर भी बैठ जाए। प्रिंसिपल मैम, सभी टीचर्स नीचे हॉल में जमा हो चुकी हैं, बस आपका इंतजार हो रहा है, नीचे आ जाइए। ठीक है मिस्टर केशव, ध्यान रहे, इस वीक अपनी बेटी की फीस जमा कर देना। प्रिंसिपल मैम और सपना के पिता की बात धारा सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि सपना के पिता के पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है।
अब क्या था, धारा को तो मौका मिल जाता है सपना को और भी ज्यादा परेशान करने का। वहीं दूसरी तरफ सपना और उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि इस हफ्ते अगर फीस जमा नहीं हुई तो क्या होगा। सपना अपने पिता से कहती है, पिताजी अब क्या होगा, आपके सेठ जी कैसे हैं, कितनी ज्यादा कठोर हैं, आपसे कितनी ज्यादा मेहनत करवाते हैं लेकिन पगार समय पर नहीं देते। प्रिंसिपल मैम किसी को इतना समय नहीं देती, उन्होंने हमें एक हफ्ते का समय दिया था लेकिन अगर दो दिन बाद फीस जमा नहीं हुई तो क्या होगा पिताजी। बेटा तुम चिंता मत करो, दो दिन बाद नहीं तुम कल ही अपनी फीस जमा करना, मैंने जमींदार से पैसे उधार ले लिए हैं। सपना खुश हो जाती है और अगले दिन स्कूल फीस लेकर जाती है। जब इस बात की खबर धारा को लगती है कि सपना के गरीब पिता ने फीस का बंदोबस्त कर दिया है तो वह और भी ज्यादा गुस्से से तिल मिला जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, याद रहे दोस्तों, अगर इस गरीब लड़की से हमें छुटकारा पाना है तो हमें कुछ करना होगा। मुझे तो लगा था कि इसका गरीब बाप कभी भी फीस का बंदोबस्त नहीं कर पाएगा और प्रिंसिपल मैम इस गरीब स्टूडेंट को धक्के मार के निकाल देंगी, लेकिन नहीं, देखो गरीब फीस लेकर आ गई। अगर ये हमारे स्कूल में रहेगी तो हमें रोजाना टीचर से डांट खानी पड़ेगी, हमें कुछ तो करना होगा। प्रिंसिपल मैम मीटिंग में बिजी हैं, मैं तो कहती हूँ कि उस गरीब स्टूडेंट के बैग से पैसे चुरा लेते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। इस तरह क्लास के सभी अमीर बच्चे बेचारी गरीब सपना के पीछे हाथ धोकर पड़े थे और वह उसके पिता के घर से पानी के पैसे चुरा लेते हैं। और जब सपना अपना बैग देखती है तो उसके अंदर एक फूटी कौड़ी नहीं थी, यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सपना क्लास से बाहर आकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, पिताजी ने जमींदार अंकल से उधार पैसे लिए थे तब जाकर तो मेरी फीस जमा होती, ये क्या हो गया। अगर फीस जमा नहीं हुई तो प्रिंसिपल मैम मुझे स्कूल से निकाल देंगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता, इस साड़ी के ब्लाउज को भी अभी ही खराब होना था। सभी टीचर्स मीटिंग कर रही हैं और मैं यहाँ, अगर समय पर मीटिंग में नहीं गई तो प्रिंसिपल मैम से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब क्या करूं। मैम आप यहाँ, सभी टीचर्स की तो मीटिंग चल रही है, क्या कोई परेशानी है, क्या हुआ मैम बताइए तो। कुछ नहीं सपना बेटा, मेरा काम पेंडिंग पड़ा था, उसे जल्दी जल्दी पूरा कर रही थी और मीटिंग में जा रही थी, देर ना हो जाए इसलिए जल्दी जा रही थी। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है और वही हुआ, जल्दी जल्दी में मेरा ब्लाउज पीछे से खराब हो गया, मैं मीटिंग में भी नहीं जा सकती, क्या करूं, लगता है आज मेरा स्कूल में आखिरी दिन है। सुहाना मैम चिंता मत कीजिए, आप क्लास के अंदर चलिए, मैं आपकी अभी इस समस्या का समाधान निकाल देती हूँ। सपना सुहाना मैम को क्लास के अंदर ले जाती है और अपने बैग से मेहंदी की कोन निकालती है। सपना के हाथ में मेहंदी की कोन देखकर सुहाना मैम कहती हैं, सपना तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैंने कहा कि मेरा ब्लाउज खराब हो गया और तुम मेहंदी लेकर आ रही हो, मुझे कहीं शादी में जाना है क्या जो तुम मुझे मेहंदी लगाओगी। तुम्हारे हाथ में मेहंदी क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेहंदी से क्या करना चाहती हो। मैम आप परेशान मत होइए, क्या आपको पता नहीं आजकल मेहंदी वाला ब्लाउज ट्रेंडिंग में चल रहा है, बस वही बनाने वाली हूँ, वह दिखने में बहुत सुंदर लगता है और आप समय पर मीटिंग में भी जा सकती हैं, बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए। सुहाना मैम सपना की बात समझ नहीं पाती लेकिन वह उसकी बात मान जाती हैं और सपना अपनी मेहंदी की कोन से बहुत ही ज्यादा सुंदर मेहंदी का ब्लाउज बनाती है जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। जब सुहाना मैम खुद को देखती हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि इतना सुंदर मेहंदी का ब्लाउज बनकर तैयार हो सकता है और वह सपना से खुश होकर कहती हैं, सपना मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, यह ब्लाउज कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, कितना यूनिक है, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, पढ़ाई में तो हो ही और ये काम भी जानती हो, वो भी इतनी अच्छी तरह से कर लेती हो, सच में आज तो तुमने मेरी इज्जत ही बचा ली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इनाम देना तो बनता है। सुहाना मैम के इतना कहते ही सपना अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनने के बाद सुहाना मैम सपना से कहती है, सपना
तुम हमारे स्कूल की ब्राइट स्टूडेंट हो और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे ने भी तुम्हारे पैसे चुराए हैं उसे सजा तो मिलेगी ही, लेकिन तुम स्कूल से भी नहीं निकाली जाओगी। आज से तुम मेरी पर्सनल डिजाइनर हो। मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम ही मेरे मेहंदी वाले ब्लाउज डिजाइन करोगी और उसके मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी इस महीने की फीस मैं जमा कर दूंगी। धीरे धीरे लौटा देना, ठीक है? अब चिंता ना करो, जाओ पढ़ाई करो, मैं मीटिंग में जाती हूँ। सुहाना मैम की बातें सुनकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। सुहाना मैम सपना की फीस जमा कर देती हैं और उसे अपनी पर्सनल डिजाइनर बना लेती हैं। उन्हें कहीं भी खास जगह जाना होता वह उससे मेहंदी का ब्लाउज बनवा कर जाया करती थी और सपना को मेहंदी के ब्लाउज के पैसे भी दिया करती थी, जिसकी मदद से सपना अपने माता पिता की मदद करती है और अपने सपनों की उड़ान भरती है। और इस तरह एक गरीब लड़की मेहंदी के ब्लाउज की मदद से आज स्कूल में पढ़ रही थी और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही थी।